सेकंड चीज, जैसा कि आप देख सकते हो लोकेशन टोटली चेंज हो चुका है। मैं अभी अपने रूम पे नहीं रहता, इनफैक्ट मैं अपनी फैमिली के साथ नहीं रहता, मैं अभी बाहर रहता हूँ, फैमिली से दूर। ऐसी कुछ बात नहीं है कि फैमिली मेरे को घर से निकाल दिया जस्ट फॉर हायर एजुकेशन, जो कि है मैं MBA परस्यू कर रहा हूँ कोलकाता से, तो इसलिए मैं अभी अपने फैमिली के साथ नहीं रहता, उनसे दूर रहता हूँ। यह है सेकेंड चीज। तीसरी चीज, मैं अभी 2 साल के बाद फिर से यूट्यूब पे एक्टिव हो रहा हूँ। इसके पीछे का जो रीजन है वो आप लोग को मैं बताऊंगा धीरे धीरे फ्यूचर वीडियोज में। फिलहाल के लिए मैं आप लोग को इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ मेरे रूममेट से। ये है शॉन, जो गेम के लिए पागल है, स्पेशली BGM, और बहुत हेल्पफुल है। लेकिन इसकी एक बुरी आदत है कि ये कभी टाइम पे कुछ भी नहीं करता, हमेशा लेट करवाता है। He's bleeding from the words I spit, so sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in faith, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. ये है ऋषभ from पटना, और प्यार से हम उसे चिचा बुलाते हैं, घर के काम में और गरियाने में, गाली देने में सबसे आगे, लेकिन बात करने और चलने में सबसे पीछे। Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. ये है शुभांकर, सबसे बड़ा कामचोर। खुद को समझता है चतुर, लेकिन है बुड़बक। अपना काम साइलेंटली कर लेता है और दूसरों का काम भार में फेंक देता है। तो ये है मेरे रूममेट्स। तो जब आप रूम पे रहते हो रूममेट्स के साथ, तो घर का जो काम होता है वो इक्वली डिवाइड हो जाता है। तो फिलहाल के लिए ऋषभ गया हुआ है कॉलेज में, शुभंकर है इंटर्नशिप के लिए, तो उसको बच जाएगा 2-2.5 घर आने में, वो बाहर ही खा लेगा। मैं, ऋषभ और शुभंकर घर में खाएंगे, तो घर का जो काम है एज यूजुअल डिवाइड हो जाता है। तो मेरा जो काम है वो है आलू और प्याज काटना, और शॉन्डुंदू बना रहा है चावल। आज हम बनाएंगे अंडा करी, ऋषभ आएगा फिर वो शायद से अंडा करी बनाएगा। तारीख से एग्जाम है, पढ़ाई कुछ भी नहीं हुआ। कुछ दिन पहले SIP का जो रिपोर्ट था, समर इंटर्नशिप जो मैंने किया था, उसका रिपोर्ट सबमिट किया। करने के बाद अभी 14 को एग्जाम है, उससे पहले हम लोग का फाइनल प्लेसमेंट का जो प्रोसेस है वो ऑलरेडी चालू हो चुका है। अब पता नहीं कौन से कंपनी में मेरा लगेगा, बट होप्स फॉर द बेस्ट कि एक अच्छा कंपनी में लग जाए। और आप लोग को और एक चीज़ दिखाना मैं भूल गया, आई मेड अ टैटू, इट्स अ सिम्बॉलिक टैटू एंड इट सिग्निफाइज अट्रैक्टिंग मनी। सो मेरे को ये पसंद आ रहा था, तो दैट्स व्हाई आई मेड दिस टैटू। यार लाइफ हो तो ऐसी, इस बिल्ली के जैसा, यार कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट सोते रहो, सारा दिन घूमते रहो, खाते रहो बस। ये क्लाउड ऐसा क्यों लग रहा है कि वहाँ पे कुछ न्यूक्लियर बम फटा हुआ है? कॉलेज कैसा गया? कॉलेज आज भाई क्या बताएं, मन दलदल से। मतलब क्या हुआ था, सीन क्या था कॉलेज का? अरे सीन था कि आज सोनू चक्रवर्ती मेरे को बुलाई थी, बोली थी 11:45 क्लॉक आ जाओ, बट जैसे हम ऑटो से उतरे एक लड़की मिली मेरे को, रिद्धि नायन की, वो बोली कि आज तो तुम्हारा मेंटोरिंग मीटिंग कैंसिल है, पोस्टपोन्ड हो गया। फिर साला दिमाग खराब हो गया, फिर सोचे कि रुको जब आ गए हैं तो कॉलेज में घुस जाते हैं, एडमिट कार्ड लेके आते हैं। नहीं तो? तुम गलत सोच रहे हो, टॉयलेट के लिए ऐसे बाहर टॉयलेट करेंगे तो साला मेरा 5 रुपए पे एंड यूज टॉयलेट साल्ट लेक सेक्टर 3 में लगेगा, इसलिए कॉलेज का टॉयलेट यूज कर लिए।
टॉयलेट यूज करने के बाद जैसे निकले बाहर, उसके बाद मेरी माता श्री का कॉल आया। इतना डिटेल में मत जाओ भाई, डायरेक्टली एंडिंग में आओ। तो गाइस मैंने बोला था ना कि ये बात करने में और चलने में बहुत ही ज्यादा स्लो है, बहुत ही ज्यादा पीछे रहता। हाँ फिर बोलो बोलो। फिर मैंने पेमेंट किया, उसके बाद फाइनली एडमिट कार्ड मिला या नहीं तेरे को? फाइनली मेरे को एडमिट। हाँ फिर वहां से कहाँ गया बोलो? वहां से उसके बाद इतना टाइम क्यों लगा? वहां से नीचे आया, कुछ खाया पिया, उसके बाद पेंटालून में अल्ट्रासाउंड के लिए दिया गया था। वो साला बोल रहा है कि मेरे को मैसेज दिखाओ, मैसेज भेजने में मेरे शुभम चुतिया जो है टाइम लगा दिए, तो टाइम लगाए तो मेरे को टाइम लग गया। उसके बाद हम सीधे डायरेक्ट बस पकड़ा और 206 से हेटे 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 घर पहुंच गया। लेकिन ये शर्ट जो है ना वो चेंज कर लेना बस, व्हाइट मतलब थोड़ा लाइट कलर का शर्ट पहनना तो अच्छा लगेगा इसमें। मुर्गी का अंडा का कट, मैंने इसको बोला था कि अंडा फ्राई हो चुका है, ये पहले आलू फ्राई नहीं किया, ये पहले अनियन फ्राई किया फिर जाके अभी आलू फ्राई कर रहा है। नमक ज्यादा मत डालना भाई। लेकिन चाचा बहुत अच्छा खाना। कितना कितना साल का? अच्छा है, तुमको मेडल मिलना चाहिए इसके लिए। तो फिर भाई के साथ ड्राइविंग कर रहा था लोग, हाँ बर्तन को धुलवा रहा था सब। हाँ जब उसके साथ रहने लगा, हाँ तब जब ड्राइविंग मेरे दिमाग के ऊपर होने लगा, हाँ उन लोगों का माई बहन ने किया, हाँ उसके बाद खाना बनाना स्टार्ट किया। लेकिन चाचा बहुत अच्छा खाना बना रहा है। हम लोग का जो फ्लोर है वो है फोर्थ फ्लोर में, उठने में फट जाता है। क्या फट जाता है? गलिया फट जाता है। गांड इज नॉट गाली, तो ऊपर जाते जाते फट जाता है। लिफ्ट हम लोग को बोला गया था कि लिफ्ट चालू हो जाएगा दिसंबर लास्ट ईयर दिसंबर में चालू हो जाएगा, लेकिन अभी तक आस लेके बैठे हैं कि चालू होगा बट अभी तक चालू नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा। हम लोग को टोपी पहनाना है। अभी सिर्फ सेकेंड फ्लोर में आए, जाना होगा फोर्थ फ्लोर। उतरने में मज़ा आता है लेकिन चढ़ने में पानी छूट जाता है। अच्छे अच्छे लोगों का पानी छूट जाता है, इसमें हम तो क्या ही है। चलो रूम पे जाते, थोड़ा फ्रेश होते, फिर आप सबसे बात करते हैं। कितना टाइम लगेगा फ्रेश होने में? ए, 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 ए। सबके सामने नहीं। और बोलो चचा तुहार का हाल है? क्या मना रहे हो? गांड? क्या ऑफिस का काम चल रहा है क्या? ये बंदा सारा दिन लैपटॉप के साथ या फोन के साथ रहेगा और कुछ नहीं करता। तब से मैं शुभंकर को बोल रहा हूँ कि भाई चल, काम लेके बैठा हुआ है। कब तक जाओगे भाई? आधा घंटा। अबे भूख से तो मर जाएगा हमारा चाचा। हाँ शौनेंदु तो ऑर्डर कर रहा है अरसलान से बिरयानी। हाँ मेरे को बोला कि भाई 350 का प्लेट है ओनली। मैंने बोला नहीं भाई, 30 रुपये का कुछ भी खा लेंगे, 40 रुपये का कुछ खा लेंगे, 350 का नहीं। हाँ बात ही अलग है। पैसे वाले लोग हैं, पैर पे पैसे उगते हैं।